उसमें हमने यह प्रस्ताव पारित किया कि कांग्रेस के मुखपत्र पर फंदी लगाई जाए और उसके साथ साथ स्वतंत्र वीर सावरकर जी को उनके गौरव का प्रस्ताव हमारी विधानसभा में हमने पारित किया। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान होता है और शिवसेना और शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे उसको देख रहे हैं, सत्ता की लाचारी में उसको सहन कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं। और इसलिए मैं फिर एक बार ये मांग रखता हूँ कि स्वतंत्र वीर सावरकर जी का सम्मान होना चाहिए और उसके साथ साथ कांग्रेस के इस किताब के ऊपर बंदी लगनी चाहिए। सर शिवसेना ने लेकिन भारत रत्न योग्य वेळी त्यांना देण्यात येईल त्या संदर्भात केंद्र सरकार निश्चित निर्णय करेल। केंद्र सरकार स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी को, महात्मा ज्योतिबा फुले जी को, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी को भारत रत्न मिले ऐसा पत्र मैंने केंद्र को लिखा है। केंद्र उसके ऊपर उचित समय निश्चित कार्रवाई करेगा। लेकिन मैं प्रति सवाल करना चाहता हूँ शिवसेना को और इस सरकार को कि अगर कल मैं क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले इनके गौरव का प्रस्ताव महाराष्ट्र की विधानसभा में लाता हूँ तो क्या इनकी भूमिका यह होगी कि अभी तक केंद्र सरकार ने उनको भारत रत्न नहीं दिया इसलिए हम यहाँ पर उनका गौरव नहीं करेंगे? ये सारी वर्गलाने वाली झूठी बातें हैं। ये मुद्दे से भाग रहे हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर जी को उनके गौरव करने की हिम्मत इनमें नहीं है। कांग्रेस के नीचे दबे हुए हैं और इसलिए इस प्रकार से धक्काने की बात करके इनमें अगर हिम्मत होगी, हिम्मत मैं तो साफ कहता हूँ कि कांग्रेस के शिदोरी जिसने सावरकर जी को बलात्कारी कहा है ऐसी स्टोरी पर ये बंदी लगाकर दिखाए अगर इनको हिम्मत होगी तो, पर ये सत्ता के लाचार है, ये कभी ऐसी बंदी नहीं लगा सकता। सर चुड़ियों के बयान को लेकर, चुड़ियों के बयान को लेकर महिलाओं का अपमान कहा जा रहा है? देखिए पहली बात तो यह है कि आदित्य ठाकरे ने मेरा पूरा बयान सुना नहीं। मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसी समय ये कहा था कि चूड़ियां भरने की जो मांग होती है वो किसी को पसंद नहीं आती, इसलिए मैं ये चीज नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा ये मुंह बंद करके बैठे हैं, उन्होंने मेरा भाषण उस समय पूरा सुना होता तो ऐसी बात नहीं करते, पर उन्होंने शायद सुना है। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आज सावरकर जी के मुद्दे पर जिस प्रकार से मैदान छोड़कर वो भागे हैं उसका सवाल आज उठेगा, इसलिए दूसरा सवाल निर्माण करके हम इसको छुपाने की कोशिश करें ऐसी नाकाम कोशिश वो कर रहे हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूँ आदित्य ठाकरे जी, क्या आपकी सरकार में हिम्मत है सावरकर जी को बलात्कारी कहने वाली कांग्रेस की पत्रिका को बैन करने की आपकी हिम्मत है? इसके बारे में पहले जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी बातें की।